अभी 2 दिन से यहाँ पे गुवाहाटी पे रुका हुआ है, तो यहाँ से टिकट मिल पाना या सीट मिल पाना बहुत ही मुश्किल है गाइस। ये बहुत ही खराब और बैड एक्सपीरियंस हो सकता है इन माय लाइफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, आपके बहुत ही अच्छे होंगे। अभी फिलहाल मैं हूँ डिब्रूगढ़ आसाम में, तो मैं जा रहा हूँ अभी दोस्त का घर में, यानी कि दोस्त का रेंट पे, वो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, तो उसका रेंट पे जाऊँगा मैं। क्यों जा रहा हूँ मैं, बाल करने जा रहा हूँ मेरा यार, अभी थोड़ा सा लंबा हो गया। यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, जब आपका दोस्त होगा या आप हम लोग आपस में मतलब एक से एक, मतलब अगर मैं जानता हूँ तो आपको खाद दूंगा, अगर आपका दोस्त है तो वो आपको खाद देगा बिना किसी पैसे की, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही होता है। तो वहाँ से मैं दोस्त का घर में जाने के बाद वहाँ से खाऊंगा बस। तो गाइस अभी मैं रेडी हूँ बाल करने के लिए, देख सकते हो बार बार कैमरामैन बन गया आज, तो ये बाल को थोड़ा भिगाना पड़ेगा पहले। ये देख सकते हो गाइस, ये है एक और नया कस्टमर, लोकल लोकल कस्टमर लगाते ये देख सकते हो गाइस, बिल्कुल फ्री है किसको करना है लोकल। तो गाइस फाइनली मेरा बाल कट के हो गया, ये देख सकते हो साइड साइड में खाता है, मैंने सिर्फ साइड में खाता है। अभी जा रहा हूँ मैं दीदी का घर में जहाँ पे मैं रुका हुआ था, तो यहाँ से मैं जाऊँगा चिकन लेके, उसके बाद खाना खा के मेरा आज रात को मेरा ट्रेन है यहाँ से डिब्रूगढ़ से डायरेक्ट बेंगलोर तक, तो आज 6 बजे को मेरा ट्रेन है, तो यहाँ से मुझे अभी बज रहा है आई थिंक 11, तो खाना खाना खा के उसके बाद शाम का खाना शायद नहीं खा पाऊँगा, देखता हूँ क्या होता है। पर अभी हम लोग खाना खाएंगे है ना मंजनी, खाना खाएंगे ना, क्या खा रहा है, लेग पीस, और ये है हम लोग इसको की देवगुन बोलते है, इट्स ए काइंड ऑफ लाइक बीन, नॉट बीन एग्जैक्टली, चिकन खाना खा रहे, और दिस इज साग, साग रही अन्न मुझे नहीं मुझे जाना यही मिली मजा ना पी दियो ना पाच एस। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, की होंडे है ना पाच ना पाच इस ऐसे नहीं की। तो गाइस अभी हम गुवाहाटी में हैं, गुवाहाटी की रेलवे स्टेशन में, कल रात को हम लोग आया था यहाँ पे, बहुत गया सुबह 5 बजे, तो अभी हम लोग यहाँ पे टिकट करने की कोशिश कर रहे हैं तत्काल में, देख सकते हो कितना लाइन में लगा हुआ है बहुत सारा यहाँ पे ये काउंटर पे। तो गाइस मैं बता, गुवाहाटी से बेंगलोर तक जो टिकट किया हुआ था वो टिकट हम लोग का सीट में कंफर्म नहीं हुआ था, इसकी वजह से हम लोग का जो टिकट है ऑनलाइन बुक किया ना वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी वजह से हम लोगों को आज तत्काल में टिकट कर रहा है आज, तो आज टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसे नहीं पता मुझे, तो कोशिश करते हैं आज टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। कल मैंने किया था सुबह 11 बजे ऑनलाइन मोबाइल से किया था, मतलब तत्काल पे, फिर भी मतलब जब मैं बुकिंग कर रहा था समय में उसमें सॉरी 49 सीट था उस समय, ठीक है, उसके बाद मैंने बुक करते पेमेंट करते समय उस पूरा मतलब हुआ, पेमेंट भी हो गया, उसके बाद वेटिंग लिस्ट 15 नंबर पर था, तो बाद में जाके जब चार प्रिपेयर हुआ आने यहाँ पे हम लोग आ रहे थे कल, मुझे लगा था कि वो कन्फर्म हो जाएगा क्योंकि वो 15 नंबर पर था वेटिंग लिस्ट, तो मुझे लगा था वो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन आते आते आधे रास्ते में जब चार प्रिपेयर हुआ तब कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए आज पता नहीं सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर सीट नहीं मिलने से आज तो तत्काल में सीट नहीं मिलने से फिर से मतलब
कल रुकना पड़ेगा आपको, शो पता नहीं क्या करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है उसके बाद, पता नहीं अभी थोड़ा सा टेंशन में है गाइस। ये देख सकते हो सुबह से सुबह 5 बजे से मैं रुका हुआ था, 11 बजे तक रुकना पड़ेगा लाइन पे, फॉर्म फिलअप करके रखा है फिलहाल में, उसके बाद रुकना पड़ेगा। ये देख सकते हो इतना लंबा लाइन है, यहाँ पर देख पा रहे आप। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज माय अनदर डे ऑफ द ब्लॉग, आज मेरा सेकंड डे है ये ब्लॉग का। तो अभी फिलहाल मैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में हूँ। तो गाइस उस दिन मैं ब्लॉगिंग करने का थोड़ा सा मूड नहीं था और ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, तो उसकी कारण था कि मेरा जो 3 बार ट्रेन का कैंसिल हो गया था। तो एक्चुअली हम लोग अरुणाचल से ट्रैवल कर रहे थे, अरुणाचल से डिब्रूगढ़ गया, वहाँ से मैंने टिकट किया हुआ था तो डायरेक्ट बैंगलोर तक, तो उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट में था। तो उसके बाद वो टिकट जो हम लोग को नहीं मिल पाया, सीट नहीं मिल पाया, उसकी वजह से फिर से हम लोगों ने वेटिंग लिस्ट में किया गुवाहाटी से मतलब बेंगलोर तक, तो वो भी सीट नहीं मिल पाया। तो फिर से मैंने तत्काल कोशिश किया, फिर भी वो भी नहीं हो पाया, तो इतना लंबा लाइन में रखना पड़ा यहाँ पे भी। तो यहाँ से टिकट मिल पाना या सीट मिल पाना बहुत ही मुश्किल है गाइस, तो ये बहुत ही खराब और बैड एक्सपीरियंस हो सकता है इन माई लाइफ। अभी 2 दिन से यहाँ पे गुवाहाटी पे रुका हुआ है, तो एक हम लोग का एक कम्युनिटी का है लोग, तो वहाँ पे हम लोग होम स्टे किया। अगर ये ब्लॉग वो देख रहा है तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और हॉस्पिटैलिटी। आज फिर से हम लोग 6:15 को ट्रेन है यहाँ से गुवाहाटी से बेंगलोर से, तो मतलब लकीली दिनों सफर के बाद आज हम लोग को मिल गया सीट। तो अभी हम लोग 6:15 को यहाँ से निकलने वाले हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही मिलते है और एक ब्लॉग के साथ, तब तक ये टाटा से यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।